सबको नमस्कार। दिल्ली कोरोना के खिलाफ एक बहुत ही कठिन लड़ाई लड़ रही है। आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज आपके सामने इस कोरोना के खिलाफ दिल्ली का जो अभी तक का संघर्ष रहा है उसको संक्षेप में रखना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई लगभग मार्च के महीने में शुरू हुई। मार्च में जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ था, खासकर जिन जिन देशों में कोरोना फैला हुआ था, वहाँ से भारतीयों ने कहा कि वो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया। मार्च के महीने में विदेशों से, खासकर उन देशों से जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ था, 35,000 लोग दिल्ली आए। इन लोगों को एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे, देखते थे कि बुखार है क्या। कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरएमएल सफदरजंग में भर्ती कराया और बाकी सबको घर भेज दिया। कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था, लेकिन अमूमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया। जाहिर है कि ये जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम, और ये सब उन दिनों कोरोना के बारे में जानकारी कम थी, गाइडलाइंस कम थी, ये सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को कोरोना फैलता गया। उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं थी, उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी। फिर लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, इसीलिए कोरोना थोड़ा कम फैला। मई के अंतिम हफ्ते में जब लॉकडाउन खुलना चालू हुआ तो उम्मीद थी कि कोरोना थोड़ा फैलेगा, कोरोना थोड़ा बढ़ेगा। 15 मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो ऐसा उम्मीद थी कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना के केसेस उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और जून के पहले हफ्ते में आते आते, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नज़र आने लगी, टेस्टिंग की कमी नज़र आने लगी। और बेड्स की कमी होने की वजह से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। तब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाए, हमने बहुत सारे लोग, दूसरा ऑप्शन था कोरोना से लड़ा जाए। जनता से पूछा, जनता का कहना था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो लॉकडाउन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने बाद, दो महीने बाद लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। तो निर्णय लिया गया कि कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना से मिलके सामना करेंगे, सारी दिल्ली के लोग मिलके कोरोना का सामना करेंगे, कोरोना से युद्ध करेंगे। और तब ये पूरा प्लान बनाया गया और कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को, कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। मेरे पास रात रात भर फोन आते थे, मैं रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था। पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंद हो गए हैं,
पिछले एक महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा बड़ा निर्णय लिया, दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को, पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। तीसरा बड़ा निर्णय लिया, हमने कई होटलों को अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया। तो अस्पताल में 100 बेड हैं लेकिन होटल में 200 बेड और लग गए, तो उस अस्पताल के 300 बेड हो गए एक तरह से। इस तरह से अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाई हमने। होटल नाराज हुए, होटल कोर्ट में गए, हमने कोर्ट में लड़ाई लड़ी और कोर्ट में लड़ाई जीत गए और 3,500 बेड्स हम लोगों ने होटल होटल के अंदर पिछले एक महीने में हमने तैयार किए। अब राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 2,000 बेड्स और तैयार हो चुके हैं, 10,000 बेड्स बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। बुराड़ी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको टेम्पोरेरी बेसिस पे 450 बेड्स वहाँ तैयार कर दिए। तो पिछले एक हफ्ते में पहला हथियार हमारा ये था, कोरोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा दी जाए। जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे। आज कोरोना के जितने बेड्स हैं, 13,500 बेड्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 7,500 बेड खाली पड़े हैं, केवल 6,000 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है, प्राइवेट में भी और सरकार में भी, लेकिन हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। अभी आगे का भी हम इंतजाम कर रहे हैं, और भी बेड्स खाली पड़े रहे हैं बेड्स, लेकिन बाई चांस कल को कोरोना बढ़ गया तो उसकी तैयारी करनी है, इसीलिए और भी खूब बेड्स का हम इंतजाम कर रहे हैं। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे, कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गड़बड़ करनी चालू कर दी, पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे, उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए। जून के पहले हफ्ते में जहां डेली 5,000 टेस्ट हो रहे थे, आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। देश में लगभग सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं, 20,000 टेस्ट डेली। अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है। टेस्टिंग एंड आइसोलेशन, हम टेस्ट करते हैं, खूब टेस्ट कर रहे हैं, जम के टेस्ट कर रहे हैं, गली गली में टेस्ट कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कौन कोरोना का मरीज है और उसको आइसोलेट कर दो, कौन कोरोना का मरीज है उसे आइसोलेट कर दो। बहुत बड़े स्तर पे दिल्ली में चल रहा है और इसके लिए मैं खास तौर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग की में मदद की। एंटीजन टेस्ट्स उन्होंने पहले हमें कुछ किट्स दिए, अब तो हमने 6 लाख किट खुद भी खरीद लिए, लेकिन पहले एंटीजन टेस्ट शुरू करने के किट्स हमें केंद्र सरकार ने दिए, परमिशन दी, हमारा हाथ पकड़ के हमें करना सिखाया, इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। तीसरा हमारा हथियार था कोरोना की लड़ाई में, तीसरा हथियार है ऑक्सीमीटर्स एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से आदमी की डेथ हो जाती है। तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं सबके घरों में ऑक्सीमीटर भेज दिए। ऑक्सीमीटर होता है, उससे आप अंगूठा डाल के और पता कर लेते हो कि आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। तो हमने सारे पेशेंट्स को बोला भाई घंटे दो घंटे में अपनी चेकिंग कर लेना, अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फ़ोन कर देना, हम आपके घर ऑक्सीजन भेज देंगे और आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। तो ऑक्सीमीटर जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है अपने कोरोना के मरीजों के लिए। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, अगर कोई अस्पताल में आए तो उसको ऑक्सीजन की सिलेंडर की और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के हर बेड में
ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। तो लगभग 4,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। तो हम कोशिश है कि दिल्ली सरकार के हर अस्पताल के हर बेड के ऊपर आपको आज ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारा तीसरा हथियार है। चौथा हथियार है आज कोरोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाज्मा थेरेपी। इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई, 29 मरीजों को दिया गया। 29 मरीजों के ऊपर ट्रायल काफी सक्सेसफुल रहा। उसके नतीजे हम लोगों ने केंद्र सरकार को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को दिए, और ड्रग एंड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू की है प्लाज्मा थेरेपी से। अब प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, उनके ऊपर तो प्लाज्मा थेरेपी ज़्यादा काम नहीं करती। लेकिन मॉडरेट पेशेंट्स को की हालत को और ख़राब होने से बचाती है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये प्लाज्मा थेरेपी हमारा चौथा हथियार है। और पांचवा हथियार है सर्वे एंड स्क्रीनिंग। आज से दिल्ली के अंदर सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों का सेरोलॉजिकल सर्वे होगा। घर घर के अंदर जाके सेरोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि दिल्ली में किस लेवल पे कोरोना फैला हुआ है। इस तरह के और भी खूब सर्वे और स्क्रीनिंग चलते रहेंगे। तो ये पांच हथियार हमारे हैं कोरोना के खिलाफ। हम खास तौर से केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में हमें कदम कदम पे सहयोग दिया। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी समय समय पे कमियां बताई, गलतियां बताई, ताकि हमें मौका मिला उनको सुधार करने का। बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो हमें इस पूरी मुहिम के अंदर दिल्ली वालों की मदद कर रही हैं। जीत निश्चित है, लेकिन जीत कब होगी ये नहीं कह सकते। कोरोना हारेगा, दिल्ली जीतेगी, और ये पांचों हथियार खूब कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।